तो दोस्तों यहाँ पे एक विशाल मंदिर आपको दिख रहा है, कैंट रोड पे हैं हम। ये चार बाग को भी जाता है रास्ता। ये आप अहिमा मऊ से चार बाग को जाने लगेंगे तो कैंट रोड पे पड़ता है और काफ़ी भव्य मंदिर है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं माता जी के, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। फिलहाल जगह जगह की वीडियो हम अपलोड किया करते हैं और लखनऊ में हैं हम अभी, तो यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। काफ़ी भीड़ रहती है भैया, यहाँ की कुछ मान्यताएं हैं। ये देखिए भैया, ये मेन हाईवे के ऊपर पड़ता है, यहाँ से कुछ जानकारियाँ लेते हैं। अच्छा चाची, क्या मानता है यहाँ की? यहाँ का मानता भैया बहुत हो, जो मंगियो तो पाइयो। नहीं मतलब यहाँ पे काफ़ी, मतलब ये देखिए घंटी बांधी हुई है। घंटी बांधी बच्चा, जौन मंगियो तुमते दिल से बताए, जौन मंगियो तो उन पाइयो। पहले घर पहले बांध लगा दियो जाए, जो मांगना है जो मांगो। अच्छा, नौकरी चाकरी। मतलब यहाँ की मान्यताएं हैं कि अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं यहाँ पे एक घंटी बांधूंगा, तो माता जी की कृपा है जो पूरी करती है। अच्छा, ये मंदिर किस नाम से है? किस नाम से मंदिर है? माता, मरी माता का मंदिर है। मरी माता का मंदिर है। चलिए ठीक है, और काफ़ी घंटा बांधा हुआ है यहाँ पे, सब माता जी का आशीर्वाद है और सब अपनी अपनी मन्नतें हैं। ये देखिए कुछ जिनकी जिनकी जैसी जैसी मन्नत पूरी होती है वैसे वैसे वो यहाँ पे देखिए, काफ़ी प्रकार के और काफ़ी छोटे से बड़े। हाँ कुछ बताइए चाची यहाँ के बारे में, क्या क्या मान्यता है इस मंदिर की? हम लोग का बता दे, हम लोग का भैया, हम लोग भीख मांगे वाले हैं। हाँ। और क्या? अरे तब वो कुछ तो पता हुए आपका? कुछ नहीं पता है, मन्नत तो यहाँ पे इतनी घंटियाँ कैसे बांधी हुई? मन्नत होती है तो माता जी के महिमा है तो हो रहा है मन्नत पूर, और क्या। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, ये कैंट रोड है और ये अहिमा मऊ से चार बाग जाने के लिए ये रास्ता उपलब्ध है। आप कभी भी आइए यहाँ पे विजिट कीजिए, तो माता जी के दर्शन ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इसी प्रकार की वीडियो हम अपलोड किया करते हैं तो हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट करना। और आप देख ही रहे हैं श्रद्धालुजन किस हिसाब से माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। तो वीडियो इसी पे स्किप करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।